दोस्तों, मैं हूँ काजल और मैं आपके लिए जो है गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं मैं यहाँ दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर हूँ। तो गाइस, यहाँ पे जो है इस दिल्ली वेबसाइट ने जो है आपका जो है रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया है। रिज़ल्ट बहुत सारे पेंडिंग रह रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट किसका जारी हुआ है उसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो में जो है गाइस बना रहना पड़ेगा, क्योंकि रिज़ल्ट हम आपको प्रूफ के साथ जो है शो करके दिखाएंगे। क्योंकि रिज़ल्ट पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर वालों का भी रह रहा है, आपका जेएसए जूनियर सीक्रेट असिस्टेंट वालों का भी रह रहा है, हेड क्लर्क वालों का भी रह रहा है, वो पूछते रहते हैं, और असिस्टेंट ग्रेड सेकंड वालों का भी रिज़ल्ट जो है रह रहा है। तो सभी अपने रिज़ल्ट के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर जो है रिज़ल्ट किसका जारी हुआ है वही मैं आपको गाइस दिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिखा देते हैं, चलो आपको रिज़ल्ट का थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके आते हैं और यहाँ पे जो रिज़ल्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर जो है क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही गाइस रिज़ल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रिज़ल्ट, लेटेस्ट रिज़ल्ट एंड ओल्ड रिज़ल्ट, ठीक है। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट अपडेट लाएं तो वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए लेटेस्ट रिज़ल्ट पर क्लिक करके जो अब न्यू रिज़ल्ट आए हैं वो आपको यहां पर दिखा देते हैं। तो गाइस देखिए, आप देख सकते हैं रिज़ल्ट की लिस्ट काफ़ी लंबी है, जो आगे तक प्रोसीजर चल रहा है हमने एक पर कर रखा है, यानी कि जो आज ही रिज़ल्ट जो हैं जारी हुए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आज और कल शाम में भी रिज़ल्ट आए हैं। तो देखिए, रिज़ल्ट नोटिस आया है, एक तो आपका कलेक्टर सब इंस्पेक्टर का आया, यानी कि पोस्ट कोड जो 99/20 की थी, और यहाँ पे 1395 टीजीटी वालों का रिज़ल्ट जो है जारी हुआ है। ये रहा 1395 टीजीटी इंग्लिश मेल इन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पोस्ट कोड 50/2021। तो चलिए टीजीटी वालों का भी दिखाते हैं और इनका भी दिखा देते हैं, फीस कलेक्टर वालों का, क्योंकि इन्होंने भी तो वैकेंसी जो है भर रखी थी। तो जिन्होंने इनकी भर रखी थी तो वो इस चैनल पर देख लेना गाइस, हमारा तो फ़र्ज़ बनता है, हम तो सभी का जो है रिज़ल्ट को नोटिस को दिखाएंगे, ठीक है। तो इस पर दिखा देते हैं यहाँ पर जो है क्या रहा इनका, देखिए द मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ 24,722 कैंडिडेट, यानी कि ये बताया गया है कि इतने कैंडिडेट जो हैं इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, और एग्ज़ाम बताया गया है कि 17, 18, 24 एंड 25 नवंबर 2021 में हुआ था, यानी कि जो नवंबर 2021 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनका जो है रिज़ल्ट जो है गाइस जारी हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बताया है टोटल 131 थी, जिसमें UR की 67 थी, EWS की 13, OBC की 28, SC की 16, ST वालों की 7 थी। तो यहाँ पे दिखा देते हैं क्या रिज़ल्ट का वो रहा, देखिए ये रहा, ये अपना चेक कर सकते हैं। PH कैटेगरी UR की ये रही, ठीक है, EX वाली UR की ये रही, इनका रिज़ल्ट के नंबर आप जो हैं देख सकते हैं। देखिए UR कैटेगरी 53, अपने रोल नंबर का इस चेक कर लेना, EWS वाले भी चेक कर लेना, उनका इन रोल नंबर में नाम है यानी OBC वाले भी, SC वाले भी और ST वाले भी, ठीक है गाइस। तो ये तो था इनका, चलिए अब हम दूसरा जो निकला है उनका भी दिखा देते हैं। काफ़ी बड़ा PDF है, किसी को चाहिए अगर इस रिज़ल्ट का तो हमें कमेंट करके बताना, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे देंगे, ठीक है ना गाइस। इस रिज़ल्ट का जो ये आपका निकला है सब इंस्पेक्टर फी कलेक्टर का, ठीक है ना। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको जिन्होंने इसका फॉर्म भरा था, TGT PGT वालों का, उनका भी रिज़ल्ट जो है गाइस दिखा देते हैं, और साथ के साथ ये भी बताएंगे हम आपको कि आपका रिज़ल्ट जो है कब आएगा। तो इनका भी दिखा देते हैं, बेचारों का परेशान थे ये TGT वाले भी। तो यहाँ पर गए और इनका रिज़ल्ट जो है ये रहा, इंग्लिश मेल पोस्ट कोड 50/2021 वालों का। वीडियो में बनी रहिएगा, तभी हम आपको बताएंगे अब नेक्स्ट रिज़ल्ट जो है किसका आएगा और नोटिस जो है किसका जारी होगा, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं इनका ये रहा एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 था, और टोटल एडवर्टाइजमेंट 1,029 वैकेंसी थी, जिसमें जो है आपकी EWS की 48, UR वालों की 483, OBC की 277, SC की 69 और ST वालों की 192 थी।
ठीक है ना, 30,057 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में जो है अपीयर हुए थे, जिन्होंने जो है रिटन एग्ज़ाम दिया था। तो ये जो है उनका जो है रिज़ल्ट आया है। यू आर कैटेगरी वाले अपने रोल नंबर चेक कर लेना, जो 466 थे जिसमें, ये रहा काफ़ी लंबा है। और रिज़ल्ट जो है कैसे चेक करते हैं वो भी बता देती हूँ। जैसे किसी को अपना लिस्ट में नाम नहीं दिखता है तो यहाँ पे सर्च मारना और अपना जो है रोल नंबर फाइंड कर लेना इस तरह से, 2, 5, 6, 8, 9 करके, तो उनका जो है रिज़ल्ट का नंबर जो है हाईलाइट हो जाएगा। रिज़ल्ट वाले ऑप्शन पर जाकर आपको करना होगा, ठीक है ना। तो अभी तो हम इस पर वीडियो बना नहीं रहे हैं, सिर्फ इस पर बना रहे हैं कि किस किस का जो है रिज़ल्ट आउट हुआ है। देख लीजिएगा आप, ये रहा काफ़ी लंबा है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसकी भी 9 पेज का आएगा इस ये रिज़ल्ट। किसी को TGT वालों को चाहिएगा तो हमें बता देना, हम जो है उसका भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो है लिंक दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स समझते हैं ना, वीडियो को जब ओपन करते हैं तो जहाँ टाइटल होता है उसी में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है अंदर होता है, तो वहाँ पर आपको लिंक मिलते हैं, तो वहाँ से जो है आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं पर जो है इनके PDF हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इतने बड़े PDF में किस किस का आया है हम बता नहीं पाएंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट जो है किसकी बारी आएगी। तो गाइस अब जो नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा वो आपका PRT वालों का रिज़ल्ट आएगा। जी हाँ, प्राइमरी टीचर वालों का रिज़ल्ट आएगा। और ये कब आएगा, ये जो है आपका इस जून के लास्ट वीक तक जो है आपका PRT का वालों का जो है रिज़ल्ट आउट हो लेगा। फिर आपका जो है हेड क्लर्क वालों का रिज़ल्ट आएगा, जो रह रहा है हेड क्लर्क वालों का। और JSA जूनियर सीक्रेट असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट है वो आपका जुलाई के लास्ट वीक में आएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह जो है आपके ये रिज़ल्ट जो है आउट होंगे 1 बाय 1 करके। और जो हमसे पूछ रहे थे असिस्टेंट ग्रेड सेकंड वाले, उनका रिज़ल्ट जो है थोड़ा देर से ही आएगा। तो वीडियो में जो है आपको ये सारी हमने जानकारी बता दी है कि किस किस के रिज़ल्ट जो हैं गाइस कब आउट होंगे, ठीक है ना। और रिज़ल्ट को आप कैसे चेक कर सकते हैं ये भी हमने बता दिया है। और किसी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने लें। और किसी को ये इन लिंकों का अगर वो चाहिए ना PDF, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लेना, ठीक है ना गाइज। और हो सके तो अपने दोस्तों को भी बता देना कि TGT और सब इंस्पेक्टर का जो है रिज़ल्ट जो है गाइज आउट हो गया है, ये जो आए हैं रिज़ल्ट, ठीक है। और इतने इतने वैकेंसी पर इनके रिज़ल्ट आए हैं, और जिनके अब आने वाले हैं रिज़ल्ट उसके बारे में भी हमने आपको अपडेट दे दी है। तो हम जो है ये करते हैं आशा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना अभी के लिए। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।